ये सब जो मशीन रखा हुआ है इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। उधर से ही ले लीजिए, उधर फ्लोटर मशीन है जी, जो पानी में कहीं बिल्डिंग में पानी भर गया है उस बिल्डिंग से पानी बाहर निकालने के लिए आने जाने की सुविधा हो जाए उसको। उसके बाद CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है इलेक्ट्रिक की आग बुझाने के लिए। बगल में है ABC फायर एक्सटिंग्विशर जो मल्टीपर्पज़ है, सभी तरह की आग बुझाएगी। पोस्टर पंप तो देख ही रहे हैं, यह है हाइड्रोलिक कटर एंड स्प्रेडर फाड़ने के लिए भी और काटने के लिए भी। ये है रिवॉल्विंग ब्रांच, ये बरसात के जैसे कहीं ऊपर बिल्डिंग में आग लगी है कोल्ड स्टोर में उसमें लटका दीजिए, बरसात के जैसे पानी देता रहेगा। यह मल्टीपर्पज ब्रांच है, इसमें है कि जेड स्प्रे दोनों तरफ पानी फेंकेगा। ये हुआ शॉर्ट ब्रांच, ये सिर्फ जेड पानी फेंकेगा। ये सब हो गया हमारा फायर सेफ्टी पहन करके आग बुझाने। तो ये जितना सब है सब फायरमैन जो लोग हैं वही लोग जी हाँ पहन के यूज़ करके आग बुझाते हैं। ये स्मोक रजिस्टर हुआ नीचे में जो है, कहीं भी आग धुआं भर गए जहाँ लगेगा वहाँ धुआं भरेगा, धुआं भर उसमें सफोक के साथ दम घुटता है, उस धुआं को हम लोग बाहर के निकाल देते हैं मशीन के द्वारा। सर ऐसा आधुनिक मशीन भी आ गया है कि बिना अंदर जाए हुए लोग बाहर से रिबोट टाइप का, तो क्या बिहार में ऐसा है? नहीं, बिहार में ऐसा उपलब्ध नहीं है, कहीं नहीं है। थैंक यू। इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ उसी के बारे में खाली बस, ये क्या है बस कि लोगों तक तो मैसेज पहुंचे कि इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग। आप जहाँ खड़े हैं ये सिविल डिफेंस निदेशालय का, बिहार नारी शिक्षा निदेशालय का ये जो है स्टॉल है आपदा पवेलियन में, और जिसने सारे इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे शायरन है जिसका उपयोग हवाई हमले के समय करते हैं या फिर आपातकालीन परिस्थिति में करते हैं, आपदा के समय भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। वो शायरन है, उसके नीचे जो आप उजला रंग का देख रहे हैं वो बम है। इस तरह के बमों का प्रयोग, इससे बड़े बड़े बमों का प्रयोग जो है वो अभी यूक्रेन रशिया के युद्ध में हो रहा है। वो बम जो आप देख रहे हैं वो मॉडल नहीं है। कौन सा बम है? वो एक उसमें इंसिडेंट बम है, दूसरा हाई एक्सप्लोसिव बम है ना, अति विस्फोटक ज्वलनशील बम जिसको बोलते हैं, वो उसमें रखा हुआ है। उसके बाद ये देख रहे हैं ये सारे कटर मशीन हैं, ये ब्लेड है, ये ड्रिल मशीन है, जो भूकंप के समय अगर मकान में फंसे हुए हैं तो काट के रॉड को मकान को काट के निकालते हैं, ये ड्रिल करके निकालते हैं। ये रास्ते में अगर पेड़ कहीं गिरा हुआ है तो उसको काट करके रास्ता साफ करते हैं। इधर से ये जो आप देख रहे हैं ये BSM मशीन है, ये जो पानी में अगर कोई लाश फंसी हुई है या कोई डूब गया उसको निकालना है तो इसको मास्क इसको पहन करके इसको ऑक्सीजन के साथ इसको हम निकालते हैं, है ना। ये सामने स्प्लिंट है, किसी का हाथ पैर टूट गया तो उसके आधार पर उनको बांध करके उसके जो फ्रैक्चर उसको हम स्टैटिक कर देते हैं। ये नारियल का राफ्ट है जो पानी में आपको डूबने नहीं देगा, इसको बांध दीजिए छाते में, आप पानी में पड़ रहिए। वो बोतल का राफ्ट है उसको, उसका भी वही उपयोग है, जो अगर बाढ़ में फंस गए हों तो आपको पानी में नहीं डूबने देगा। फिर वो जो देख रहे हैं आप गलन वाला, वो इसका भी उपयोग है। और उसके बाद जो देख रहे हैं वो सिरप पंप है, इस सिरप पंप का प्रयोग उस तरह जो हमने आपको बताया अति विस्फोटक ज्वलनशील बम जो है, इसको हम अग्नि बम भी कहते हैं, तो वो कई जगहों पे एक साथ गिरता है, तो छोटे छोटे जगहों पे जहाँ पे गिरता है, तो हमारे पास पहले साधन नहीं था, तो इसका समय 1968 में हम लोग इसी को यूज करते थे, जो सिविल डिफेंस के हमारे वार्डन थे। स्टीरअप पंप और बाल्टी में पानी भर के उसको जैसे हवा भरते हैं ना साइकिल में, उसी तरह हम करके और कूलिंग मेथड्स के माध्यम से हम जो है उन बमों को शांत करने का, आग से बचाव का काम करते थे। क्लियर है? और ये क्या है सर? ये है इसके लिए सांस लेने का, आपको आप अपने मुंह में लगाइए इसको, देखिए यहाँ पे ऐसे सांस यहाँ से दे देंगे, लगा कुछ? तो ये बेसिकली कोरोना के समय से हम हुआ था, इसमें यहाँ से ऑक्सीजन देने का काम किया था। तो इसमें पाइप लगा हुआ, पाइप लगेगा इसमें, इसको मॉडल के रूप में हम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।